हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान रुचि में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको गांव की सैर कराएंगे। तो देखिए, हम गांव आए हुए हैं और यहां का वातावरण देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सीन कितना प्यारा लग रहा है यहाँ का। तो हम बाग में आए हुए हैं, बाग में घूम रहे हैं। तो देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बड़ा आनंद आ रहा है फ्रेंड्स। तो हम लोग तीन चार लोग आए हैं, हम आए हैं, मम्मी है हमारी, बहन है हमारी, हम सब लोग आए हुए हैं, हस्बैंड भी आए हुए हैं। तो ये देखिए, सब लोग टहल रहे हैं। तो वो लोग भी टहल रही हैं, टहल के आ रही हैं पीछे से। आप देख सकते हैं, ये हमारी सिस्टर आ रही हैं और मम्मी भी अभी हमारी आएंगी पीछे से, वो भी टहल रही हैं। तो आज सब लोग गाँव का नज़ारा देखने के लिए निकले हैं हम लोग। तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए मम्मी भी आ रही हैं। तो हम आगे चलते हैं थोड़ा सा और आपको भी दिखाते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए, आम के पेड़ कितने बड़े बड़े से लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा फील्ड है यहाँ पर, जो कि शहरों में देखने को नहीं मिलती है। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग यहीं रह जाएँ, जाएँ ही नहीं घर। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये रोड पर, ये हम लोग रोड पर आ गए हैं। तो वो देखिए, मम्मी आ रही हैं। तो हम सब लोग आज घूमेंगे, अभी हम आपको गांव दिखाएंगे। तो आप सब लोग हमारे साथ बने रहिएगा ऐसे ही। क्या मम्मी, कुछ बता। हेलो करो। हेलो, ये मम्मी हैं। आप लोग इनके चैनल शुभ सरोवर को भी सब्सक्राइब करिए। इनके चैनल पे आपको भजन कीर्तन, लोकगीत, सभी तरह के गीत सुनने को मिलेंगे। तो आप लोग इनको भी सपोर्ट करिए। तो देखिए देखिए कितना अच्छा लग रहा है, दृश्य कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए, पीछे मक्के लगे हुए हैं, बाजरे के खेत है ये। हाँ, उधर अभी आपको बकरियाँ दिखाएंगे चरती हुई, अभी हम दिखाएंगे, आगे थोड़ा बढ़ जाएं। तो ये हमारी गाड़ी भी देखिए खड़ी हुई है, हम लोग इसी गाड़ी से आए हुए हैं। ये हस्बैंड है हमारे, हेलो करो। और वो देखो, बकरी चर रही है उधर, वो देखो पीछे बकरियां चर रही हैं, शायद आपको दिखाई दे रही होंगी। हम थोड़ा दूरी पर हैं तो सही से बकरियां दिखाई नहीं दे रही हैं, तो पीछे हमारे बकरियां चर रही हैं। हम सब लोग आज बाघों की सैर कर रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं बाघों के अंदर। तो मम्मी हैं और सिस्टर हैं, दोनों लोग जा रहे हैं, हम पीछे हैं, तो हम वीडियो शूट कर रहे हैं। तो आप लोगों को दिखा रहे हैं, देखिए कि हम लोग खेतों के अंदर भी जा कर के घूम रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बहुत आनंद आ रहा है फ्रेंड्स। सावन का महीना है तो हरियाली तो इतनी ज़्यादा है कि हम बता नहीं सकते आपको। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, हरे हरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े से आम के पेड़ लगे हुए हैं। आम तो इस टाइम नहीं है, लेकिन पेड़ बहुत अच्छे लग रहे हैं देख के। ये हम लोग रोड पे हैं, तो हम गए हैं मोहन रोड पे, हम हैं, हमें जाना है गांव, हम सराय गांव जा रहे हैं। तो रास्ते में हम लोग थोड़ा सा रुके हुए हैं, तो यहीं पर हम लोग देख रहे हैं कि रोड पे देखिए टेंट लगा करके छोटे छोटे से दुकानें बनी हुई हैं। यहाँ पर पान मसाले की भी दुकानें हैं और लोग पन्नी लगाए हुए हैं, और यहाँ पर गुमटी बना करके उसी पे सामान बेच रहे हैं लोग। यहाँ पर अपने जानवर भी चराने आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा फील्ड है, तो बहुत बड़े फील्ड होने की वजह से यहाँ पर लोग अपने जानवर भी चराते हैं। और ये देखिए सामने हम आपको दिखा रहे हैं, ये होटल है, ये भी टेंट लगा करके होटल यहाँ पर खुला हुआ है। तो यहाँ पर समोसे, जलेबी और नमक पारे, शक्कर पाले, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। और ये सरकारी नल लगा हुआ है, यहाँ से लोग पानी पीते हैं, जो राह से निकलते हैं, राहगीर आते हैं, वो यहीं इसी नल में पानी वानी पीते हैं। और ये देखिए, एक लोग पुल पे लेटे हुए हैं,
तो यहाँ का वातावरण बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, तो हम लोग थोड़ा सा रुके हुए हैं, इसीलिए थोड़ा सा हम भी ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं। ये रोड है, इससे दो पहिए चार पहिए सभी तरह की गाड़ियाँ निकलती हैं। और ये पेड़ है, बहुत बड़ा आम का पेड़ है। ये सारे आम के ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम जिस रोड से जा रहे हैं उसके अगल बगल सारी आम की बागें दिखाई दे रही हैं, और खेत भी हैं। देखिए कितने बड़े बड़े से खेत हैं, और बढ़िया सी हरियाली नज़र आ रही है। सावन के महीने में हरियाली तो चारों तरफ दिखाई देती है, लेकिन शहरों में ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, तो इसीलिए हम आज गांव की तरफ आए हुए हैं, गांव की सैर कर रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं कि देखिए गांव का नज़ारा कितना अच्छा लगता है, गांव की तरफ कितना सन्नाटा रहता है। और शहरों में तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती रहती हैं, रोड तो बिल्कुल भी सन्नाटी मिलती नहीं है। तो यहाँ पर ये रोड देखिए कितनी सन्नाटी है, और कितना माहौल यहाँ का शांत है। तो हम आए थे, थोड़ा सा रुक चुके हैं, अब हम फिर चलेंगे अपने रास्ते पर। हमें बढ़ना है आगे, हमें जहाँ जाना है हम वहाँ पहुँचेंगे अभी। तो ये हम लोग चल दिए हैं, तो ये हम रास्ते पे हैं। तो ये देखिए ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और इधर से भी गाड़ियाँ निकल रही हैं। तो जिधर हम नज़र उठाते हैं चारों तरफ हमें हरियाली ही नज़र आती है। इस टाइम सब जगह हरियाली हरियाली नज़र आ रही है, कोई भी ऐसा पेड़ नहीं दिखाई दे रहा है जो कि सूखा हो, सब तरफ हरा भरा नज़र आ रहा है। और बीच में रोड है, तो चारों तरफ हरी हरी घास है, बीच में रोड है, तो कितना अच्छा लग रहा है देख के। तो ये देखिए हम गाड़ी के अंदर से ही वीडियो शूट कर रहे हैं, चलते हुए वीडियो बना रहे हैं, तो देखिए आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है, कितने पेड़ हैं यहाँ पर, कितने पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो ये दृश्य देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना हम ये वीडियो आप लोगों के साथ भी शेयर करें, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अब हम लोग गांव पहुंचने वाले हैं, बिल्कुल हम लोग आ गए हैं, गांव के किनारे पर हैं। तो देखिए यहाँ पर भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं बहुत सारे, यहाँ पे भी आम की बागें हैं। ये एरिया पूरा बागों से भरा हुआ है, हम लोग जिधर निकल रहे हैं उधर बागे ही बागे दिखाई दे रही हैं। तो ये हम लोग पहुँच चुके हैं, और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, गाँव की तरफ हम लोग आ गए हैं। ये देखिए ट्रैक्टर ट्रालियाँ सब रोड पे खड़ी हुई हैं गाँव के बाहर। तो ये ट्राली खड़ी हुई है, हमने अपनी गाड़ी पीछे खड़ी की है, तो हमारी गाड़ी पीछे खड़ी है। और ये देखिए यहाँ पर खेतों में मकान बने हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे मकान बने हुए हैं, वो भी खेतों में। सोचिए खेतों में मकान होता है तो कितना अच्छा लगता होगा, चारों तरफ पेड़ पौधे दिखाई देते होंगे, ये सारे मकान खेतों में बने हुए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम लोग सराय गांव पहुंच चुके हैं, यहाँ के मकान देखे कितनी ढेर सारी लकड़ियाँ रखी हुई हैं, कच्चा मकान है ये, ऊपर टीन रखी है। और एक चीज़ देखने वाली फ्रेंड्स यहाँ पर ये है कि यहाँ के मकान देखे कितने बड़े बड़े मकान हैं, और बाहर कितना बड़ा फील्ड है, तो कितना अच्छा लग रहा है, कितना फील्ड है इस गांव में। शहरों में तो सभी आगे से भी मकान बने रहते हैं, रोडों पर बिल्कुल जगह ही नहीं रहती है, घर के बाहर किसी के दरवाजे पर कोई जगह ही नहीं रहती है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसे मकान बने हैं कि मकान मकान काफ़ी पीछे से बने हुए हैं, आगे बहुत बड़ा फील्ड पड़ा हुआ है, किसी का मकान भी बन रहा है, तो उनके यहाँ काम चल रहा है। देखिए